मंदोदरी, पुत्र शोक ने तुझे कायर बना दिया है। तुम्हारी मति फिर गई है। यदि आज मैंने इसे जीवित छोड़ दिया तो कल इसके साथ और वानर लंका में प्रवेश और आक्रमण करने का दुस्साहस करेंगे। क्या तुम यही चाहती हो कि इन वानरों के हाथों से लंका का विनाश हो जाने दूं? नहीं, ऐसा मैं कदापि नहीं होने दूंगा। तुम यहां से चली जाओ। महाराज, संसार में वैर सदैव वैर को ही जन्म देता है और वैर से मात्र विनाश ही होता है। कल्याणी, यदि इसी प्रकार आप अधम के मार्ग पर चलते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब लंका में हमारा नाम लेने वाला कोई भी नहीं बचेगा। इस वानर को तत्काल मृत्यु दंड दिया जाए। दादाश्री, इस दूत का वध कर उचित नहीं है। विभीषण, अब तुम ही मंदोदरी की भांति मुझे धर्म की बातें सिखाने आए हो? नहीं दादाश्री, मैं तो मात्र शास्त्रोचित बात कह रहा था। आप ही विचार कीजिए, यदि हमने इस दूत का वध कर दिया तो फिर इसके स्वामी राम को हमारे शक्तियों के बारे में कौन जाकर बताएगा? अपने शक्ति और बल से शत्रु को परिचित करने का ये सबसे उचित साधन है। ये एक दूत है और दूत सदैव ही अपने स्वामी के पराधीन होता है। ये वाचाल है क्योंकि इसे अपने स्वामी के बल का अहंकार है। किंतु इस वानर को हम दंड दिए बिना भी तो नहीं भेज सकते। प्राताश्री, इस दूत के लिए सबसे उचित यह होगा कि इसका कोई अंग भंग कर दिया जाए। जब यह यहां से लौटकर अपने स्वामी के पास जाएगा तो अपने स्वामी से हमारी शक्ति और प्रभुता का वर्णन करेगा और अपना खंडित अंग दिखाकर उसे युद्ध के लिए प्रेरित करेगा। उत्तम उत्तम विचार। जीवन में पहली बार तुमने कोई उचित बात कही है। अब हमें इस वानर का अंग भंग करके इस लंका से भेजना होगा। अपनी पूंछ पर बहुत अभिमान है ना तुझे? वानरों को वैसे भी अपनी पूंछ बहुत प्रिय होती है। मेघनाथ, लगा दो इसकी पूंछ पर आग। इसकी पूंछ के साथ साथ इसका अभिमान भी जलकर भस्म हो जाएगा। अब यहां से ये अपनी जली हुई पूंछ अपने साथ लेकर जाएगा। इतना कपड़ा बांधो इसकी पूंछ पे, इसकी पूंछ अग्नि से जलकर भस्म हो जा रही है। वानर अपना समस्त जीवन बिना पूंछ के व्यतीत करे। शंकर सुवन केसरी नंदन, महाजगवंदन।
जा रहे हो, और जोर से बांधो 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 बांधो। हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीर सतयुग लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीर सतयुग लोक उजागर। हनुमान अंजनी सुमिर वायु पुत्रो। और कपड़ा बांधो, बहुत चौटक कर रहा है ये वानर। बांधो। सीता, सीता पुत्री, सीता लंकेश ने हनुमान को मृत्युदंड तो नहीं दिया है, किंतु उनकी पूंछ को अग्नि से जलाने का आदेश दे दिया है। सारे असुर उनकी पूंछ पर वस्त्र लपेटकर आग लगाने की तैयारी कर रहे हैं पुत्री। ये कैसा दंड है? लंकेश एक दूत के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है? अनैतिकता की अति है ये। हनुमान का लंका से सुरक्षित जाना अति आवश्यक है। इस अनर्थ को रोकना होगा। तेल डालो इसकी पूंछ पर। लंका में प्रवेश करके उत्पात मचाना और लंका वासियों का वध करने का परिणाम क्या होता है, अब ये तुम्हारे समक्ष है। आग लगाओ उसकी पूंछ पर। हनुमान की रक्षा के लिए अब एक ही मार्ग शेष है, अग्नि पर नियंत्रण। और हनुमान के लिए अग्नि को अपना गुणधर्म परिवर्तित करना होगा। इस अग्नि को ताप के स्थान पर शीतलता प्रदान करानी हो, जिससे हनुमान को कोई क्षति ना पहुंचे। अपनी ताप को मेरी देह में प्रविष्ट कर दीजिए और मैं उस ताप को अपने योग से सहन कर लूंगी। पवन पुत्र हनुमान को शीतलता प्रदान कीजिए। हे अग्निदेव, रघुनंदन दूत हनुमान को इतनी शक्ति दीजिए कि इस पाप की नगरी लंका का विनाश कर सके। अग्नि तो अपने प्रचंड रूप में जल रही है, फिर मुझे इसके ताप का आभास क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे अपना गुण धर्म ही परिवर्तित कर लिया और वह मेरे लिए शीतल हो गई। यही प्रभु श्री राम और माता सीता का प्रताप है। जब तक प्रभु श्री राम मेरे साथ है, मेरा कोई अनिष्ट नहीं कर सकता। अब मुझे अपनी चिंता छोड़कर प्रभु का कार्य पूर्ण करना चाहिए। देखो, 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 देखो।
सीता का हरण कर इस निशाचर लंकेश ने जो अपराध किया है उसके लिए रावण के साथ संपूर्ण लंका को दंड देना मेरा प्रथम धर्म है। क्यों ना इस अग्नि में इन स्वर्ण जड़ित श्रेष्ठ भवनों की आहुति देकर अग्नि देवता को तृप्त किया जाए।